शांति। आज है 18 जुलाई 2023। प्रातः मुरली बाप ताता मधुबन। आज के महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र, पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा बोले, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती, नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परमधाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परमधाम में रहते हैं। नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परमधाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परमधाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। जीव की आत्मा क्या जानती है? यह जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं? नहीं, जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने के अलाउ नहीं करते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं? नहीं, जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते हैं, तो वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो ज़रूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं। यह विकार ही मनुष्य को क्या करते हैं? हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो, अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है, बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, परंतु वह पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है,
पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए? हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए, सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबर वार है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परमधाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पांव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है, नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे अपना शरीर नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है। मेरा शरीर नहीं है, सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है। क्या कहा बाबा ने? सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं, यह तो जानते हो। आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ आ सकते हैं, तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती है, पत्थर आदि मारती है, आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोष्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर मिले शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है, जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, ज़रूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो ज़रूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते हैं सब एक ही एक है, श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है, श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है, मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। ज़रूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है, फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने, आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेटर बनते हैं, माना बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं।
इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। किसमें? आत्मा में। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशुक एक, बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है, तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार हैं, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड हैं, माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, यह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी, अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम भिखारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है, बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो, तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? विकारों का तो कोई रूप नहीं है, धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमोप्रधान है, माया क्या है? बड़ी तमोप्रधान है, वह भी जानती है यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूसा। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो, है भी बड़ा सहज परंतु टाइम लगता है, नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। एकदम क्या होगा? एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। तो शिव बाबा आगे कहते हैं अच्छा यह तो कोई नहीं जानते हैं, आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की, सच्चे सच्चे आशिक तुम हो, आधा कल्प तुम आशिक बन माशुक को खूब याद करते हो, आधा कल्प तुम आशिक बन माशुक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशुक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर में भी गंदी बन पड़े हैं, हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना, अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते हैं, अब कहाँ हनुमान कहाँ फिर आदि देव को भी महावीर कह देते।
जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद, प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में टोकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, डिब्बी में ठिकरी। सॉरी, क्या कहा बाबा ने? डिब्बी में ठिकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ चलता है। बाबा उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में ठिकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, वो ऐसा सोचते हैं। कौन? दूसरे जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है, समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं, पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमद से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट स्वरूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं, चित्र तो ज़रूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग है, अब कलयुग है, ज़रूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण पंडे, वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता? इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणाएं, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो जाना है, बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है,
बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरी पॉइंट, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान है समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। तो बाबा वरदान के विस्तार को समझाते हुए कहते हैं कि देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति।